नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। मैं रतन सेन भारती। आज हम बात करेंगे पंचायत चुनाव के बाद होने वाले सियासी उठापटक के बारे में। बिहार विधानसभा उपचुनाव में जदयू दोनों सीटों पर जीतने में कामयाब रही है, लेकिन अभी भी राजद के लिए संभावनाएं बची हुई है। बता दें कि बिहार अभी 24 सीटों पर विधान परिषद के लिए चुनाव होना है। बता दें कि पंचायत चुनाव समाप्त होने के बाद एक बार फिर से राजद स्थानीय प्राधिकार में अपनी किस्मत आजमाएगी, यानी कि अपने उम्मीदवारों को उतारेगी। और अपने उम्मीदवारों को उतारने को लेकर भी एक तरह से कह लें कि राजद में जो है गहमा गहमी की स्थिति बनी हुई है। बता दें कि पिछले दिनों जब तेजस्वी यादव गया पहुंचे थे तो उन्होंने जदयू के नेता अनुज कुमार को राजद में शामिल कराया था और उन्हें स्थानीय प्राधिकरण में होने वाले विधान परिषद के चुनाव को लेकर जो है उम्मीदवार के नाम की घोषणा कर दी थी। ऐसे में अब राजद एक बार फिर से चुनावी लड़ाई में सक्रिय हो गया है। बता दें कि बिहार विधानसभा उपचुनाव में राजद को भले ही हार मिली हो, लेकिन राजद ने इन दोनों ही सीटों पर कांटे की टक्कर दी। उनको लेकर राजद के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी कहते हैं कि उपचुनाव में हमें आम लोगों पर भरपूर समर्थन मिला। जहां हम सभी चुनाव लड़े नहीं, वहां हमने बेहतर प्रदर्शन किया, लेकिन विधान परिषद के इस चुनाव में पूरे दमखम के साथ लड़ेंगे और जीत भी हासिल करेंगे। इस चुनाव के बाद हम विधान परिषद में नंबर वन पार्टी बन जाएंगे। बता दें कि बिहार विधान परिषद में बीजेपी के कुल 26 विधान परिषद थे, जबकि जिसमें से 12 सीटों पर स्थानीय प्राधिकार से निर्वाचित सदस्य थे। इधर हम बिहार विधान परिषद में बीजेपी के सीटों की संख्या की बात करें तो वह जो है 14 है। वहीं जदयू के कुल 29 विधान परिषद सदस्य थे, जो अब घटकर 23 रह गए हैं। इधर कांग्रेस के एक और राजद के एक एमएलसी की संख्या में कमी आई है। वहीं 3 एमएलसी पिछले चुनाव में एमएलए बन गए, जबकि 1 एमएलसी का निधन हो गया है। पंचायत चुनाव के बाद इन सीटों पर होने हैं चुनाव। तो आइए जानते हैं किन किन सीटों पर चुनाव होगा। तो पटना स्थानीय प्राधिकार निर्वाचन क्षेत्र, नालंदा स्थानीय प्राधिकार निर्वाचन क्षेत्र, गया, जहानाबाद, अरवल स्थानीय प्राधिकार निर्वाचन क्षेत्र, औरंगाबाद स्थानीय प्राधिकार निर्वाचन क्षेत्र, नवादा प्राधिकार निर्वाचन क्षेत्र, उसके बाद फिर भोजपुर सह बक्सर स्थानीय प्राधिकार निर्वाचन क्षेत्र, रोहतास सह कैमूर स्थानीय प्राधिकार निर्वाचन क्षेत्र, उसके बाद सारण स्थानीय प्राधिकार निर्वाचन क्षेत्र, सिवान स्थानीय प्राधिकार निर्वाचन क्षेत्र, पश्चिम चंपारण स्थानीय प्राधिकार निर्वाचन क्षेत्र, पूर्वी चंपारण स्थानीय प्राधिकार निर्वाचन क्षेत्र, मुजफ्फरपुर स्थानीय प्राधिकार निर्वाचन क्षेत्र, इसके बाद वैशाली स्थानीय प्राधिकार निर्वाचन क्षेत्र, सीतामढ़ी शिवघर स्थानीय प्राधिकार निर्वाचन क्षेत्र, दरभंगा स्थानीय प्राधिकार निर्वाचन क्षेत्र, उसके बाद आएगा समस्तीपुर स्थानीय प्राधिकार, उसके बाद मुंगेर, जमुई, लखीसराय, शेखपुरा स्थानीय प्राधिकार निर्वाचन क्षेत्र, बेगूसराय, खगड़िया स्थानीय प्राधिकार निर्वाचन क्षेत्र, सहरसा, मधेपुरा, सुपौल स्थानीय प्राधिकार निर्वाचन क्षेत्र, भागलपुर, बांका स्थानीय प्राधिकार निर्वाचन क्षेत्र, मधुबनी स्थानीय प्राधिकार निर्वाचन क्षेत्र, इसके बाद पूर्णिया, अररिया, किशनगंज स्थानीय प्राधिकार निर्वाचन क्षेत्र, इसके बाद कटिहार स्थानीय प्राधिकार निर्वाचन क्षेत्र, और आखिरी में जो स्थानीय क्षेत्र आएगा वो है गोपालगंज स्थानीय प्राधिकार निर्वाचन क्षेत्र। तो इन क्षेत्रों में एक तरह से कह लें कि जो पंचायत में मुखिया जीत कर सामने आएंगे वो अपने प्राधिकार की नियुक्ति करेंगे, उसके बाद स्थानीय प्राधिकार जो है वो फिर एमएलसी की एक तरह से कह लें चुनाव होगा, और फिर एमएलसी के पदों की खाली संख्या जो है वो भरी जाएगी। ऐसे में जो है इन पदों को लेकर राजद सक्रिय है। राजद चाह रहा है कि बिहार विधान परिषद में जो है अपनी सीटों की संख्या वो बढ़ाए, लेकिन जदयू और बीजेपी भी जो है इसको आगे बढ़ाने को लेकर अपनी सीटों की संख्या में बढ़ोतरी को लेकर लगी हुई है। बिहार और बिहार से जुड़े हुए और भी ऐसे खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।